स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक शाम शहीदों के नाम वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन कोरबा शहर स्थित गीतांजलि भवन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के उद्योग वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन थे एवं अध्यक्षता नगर पालिक निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने की। विशेष तौर पर मां सर्वमंगला देवी मंदिर के सर्वराकार नमन नन्हा पांडे, केसीसी के डायरेक्टर राजेश अग्रवाल, मारवाड़ी युवा मंच दर्रीज मणिपाली के मनीष अग्रवाल उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि सहित सभी अतिथियों का स्वागत बीसीसी न्यूज कोरबा के संपादक पुरुषोत्तम दुबे के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अंचल के कलाकारों बसंत वैष्णव व उनकी टीम के साथियों एवं लगभग 20 कलाकारों के द्वारा देशभक्ति गीतों पर आधारित प्रस्तुतियां देकर भाव विभोर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि लंबे संघर्षों के बाद भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली और क्रांतिकारियों शहीद जवानों के कारण हम आज़ाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। देशभक्ति गीतों के माध्यम से एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का यह आयोजन अमर शहीदों के लिए श्रद्धांजलि है और इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। श्री देवांगन ने कार्यक्रम में उपस्थित गायक कलाकारों को 10 से 10 हजार रुपए की राशि देने की घोषणा की। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने भी आयोजन की सराहना करते हुए उपस्थित प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। आयोजन के अंत में सभी अतिथियों व विशिष्टजनों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। आयोजन में प्रमुख रूप से पॉम मॉल के दिनेश मोदी, कोरबा कंप्यूटर कॉलेज के डायरेक्टर राजेश अग्रवाल, शिव औषधालय के संचालक नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा, नीलकंठ माइनिंग कंपनी कुसमुंडा के जीएम विकास चौधरी, श्री इंजीनियरिंग कोसाबाड़ी का सहयोग विशेष तौर पर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के समापन अवसर पर आयोजक पुरुषोत्तम दुबे ने समस्त सहयोगकर्ताओं व आयोजन को सफल बनाने में प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले व अंचल के कलाकारों के प्रति आभार व्यक्त किया। आज हमारे बीसीसी न्यूज़ के द्वारा एक शाम शहीदों के नाम से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। निश्चित तौर पर हमारे प्रेस जो होता है वो दर्पण होता है सरकार की योजनाओं को आम जनों तक पहुँचाने के काम करती है और आम जनों की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुँचाने के काम करती है और लगातार लोगों की समस्याओं को लेकर हर क्षेत्र को मुद्दा को समाचारों के माध्यम से देश विदेश का खबर भी हमको तत्कालिक सुनते रहता है कि आज हमारे देश में क्या घटनाक्रम हुआ। और ऐसे हमारे प्रेस के माध्यम से अगर इस तरह से आयोजन होता है एक शाम शहीदों के नाम, क्योंकि जो शहीद होते हैं और हमारे देश की रक्षा के लिए वो काम करते हैं सरहद के पार पर, कड़ी धूप बरसात में बैठकर हमारे जान माल की रक्षा करते हैं। आज भारत में आतंकवाद नक्सलवाद भी पनप रहा है, उसको भी बड़े मुस्तैदी के साथ में रोकने का काम करते हैं, बहुत सारे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे शहीदों को नमन करना हम सबके कर्तव्य की बात है। कल हम लोग 78वें स्वतंत्रता दिवस भी मनाए हैं और उसके दूसरे दिन इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन मीडिया के द्वारा से बीसी न्यूज के द्वारा किया गया है,
ये हम सब के लिए गौरव और हर्ष की विषय है। उन शहीदों का नमन करना हम पूरे भारतवासी के एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि हमारी जान माल की रक्षा करने वाले और देशभक्तों की हर व्यक्ति में देशभक्ति जागृत हो। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे कलाकार आए हैं और देशभक्ति की हमको कविता गाना उनके माध्यम से सुनाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं बीसी न्यूज को और हमारे सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनका भारत सरकार।